एक बार फिर से वापसी की है कि नॉट प्लेस में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला, बातचीत की जो उमंग और तरंग है उसको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम वो सारे लोग मौजूद हैं जो शो में शरीक होते हैं, वो भी लोग हैं जो शो के हिस्सा हैं, आते हैं, मौजूद रहते हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बातचीत के सिलसिले को आज जोड़ें उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा और बहुत जरूरी है वो। शो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, मैं इसलिए कहता हूं कि फुटपाथ पर स्टूडियो में नहीं होता, ये बाहर होता है, इसलिए बहुत सारी बातें आप खुद शेयर करते हैं या बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी से मेरा मतलब ये है कि इस देश में एक सिस्टम है, कानून है, कायदा है, उसके हिसाब से उसके मुताबिक हम रहते हैं ना कि नहीं रहते हैं? तो इतने मरे मरे आवाज में क्या बोले, रहते हैं ना कि हम पहली बार आए शो करने? नहीं। हाँ ठीक, नहीं क्या है, कानून है ना? हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना जी बहुत दिनों बाद, मैं 2-3 दिनों बाद लौटा हूं एक बार फिर से शो करने के लिए। तो बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, जो मेहमान है मैं उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, कहां से आना हुआ है आपका साहब? वेस्ट बंगाल से। मैं अभी अपने वहां पे देखा हूं मैं आपको, ऑटो चलाता हूं मैं, फिर मैं ऑटो में खड़ा करके ना फोटो लेने के लिए आपको मैं। क्या बात, गाना गा रहा था ना तब देखने में, गाना गा रहा इसे आप जब एंट्री किया ना तब मैंने वहां से देखा मैंने, तब मैं आपको फोटो लेने के लिए मैं ऑटो खड़ा करके। बहुत अच्छी बात है, फोटो लेने आया और ऐसे ही अच्छा है, मैं आपके साथ फोटो जरूर खिंचाऊंगा। क्या नाम है आपका? मैंने माशूक खान। माशूक खान, माशूक खान साहब आप कहाँ के, वेस्ट बंगाल में कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बाराशात से। बाराशात? बाराशात से है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ जरूर। कब से वो ऑटो चला रहे हैं दिल्ली में? मैं हो गया 10 साल। 10 साल ऑटो चलाते हुए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि अंदर आके बैठ भी जाएं अगर आपको कोई वो हो, बैठा लो, इनकी मदद करो और इनको बैठने के लिए बोलो, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से, एक जना बंगाल से आया, जना हरियाणा से आया, कैसे आना हुआ इधर? राष्ट्रपति का फॉर्म नॉमिनेशन किया मैंने। राष्ट्रपति का? जी, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेशन कर दिया, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लड़ा रहा तो नॉमिनेशन पूरा नहीं। आज अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। आज आपने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया? पर्याप्त मात्रा में सांसद नहीं है ना हमारे। क्या बात है बाजी, बड़ा तबीयत खुश हो गई मेरी आज वैसे। मैंने मुझे मुझे दिल से शो कर रहा था, लेकिन कोई आदमी मिल जाए तो चहक वाला, मैं आया आपके पास भी आया जी। तो क्या नाम हो गया आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी एक काम तो कर ही सकते हैं आप, अंदर आ जाइए और इस पे बैठिए आके। अब ये राष्ट्रपति भवन तो नहीं है लेकिन हाँ फुटपाथ है मेरा। एक दिन का बन चुका हूँ सर। हैं? एक दिन का बन चुका हूँ। क्या प्रोटोकॉल जो होती है राष्ट्रपति जी की वो मेरे को मिल चुकी है। कैसे? जो राष्ट्रपति जी की सुरक्षा होती है वो हमारे को एक दिन के लिए उन्होंने दे दी। राष्ट्रपति ने? अरे पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, ऐसा ना कहो भाई, मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है आजकल, डर लगता है ये कि कुछ पता नहीं कोई क्या बोल दे और फिर मजा दिक्कत हो जाए। आम आदमी देखो, चुनाव आयोग ने हमारे को परमिशन दी है संविधान। मैं समझ गया आपके पास प्रपत्र है और राष्ट्रपति का आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में सांसद नहीं, तो इसलिए बहुत सारे लोग कोई भी चुनाव में कहीं भी खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सांसद और एमएलए की संख्या होनी चाहिए उसके बाद, क्योंकि एक कठिन प्रक्रिया है राष्ट्रपति के चुनाव की। तो आपका नाम क्या है पहले ही बताइए? बलविंदर सिंह जोगी। बलविंदर सिंह जोगी राष्ट्र, रहने वाले कहाँ के? हरियाणा के। पानीपत से। पानीपत से? पानीपत का ही आदमी हो सकता है जी। बहुत अच्छी बात, कहाँ से हैं आप? पानी कानपुर से। कानपुर से, वाह, एक जना हरियाणा से, एक जना पश्चिम बंगाल से और एक दूसरा कानपुर से। तो कैसे, मैं आ रहा महाराष्ट्र में, आ रहा महाराष्ट्र में तो आजकल सबकी चर्चा वही है, मैं आ रहा हूँ। तो कैसे आना हुआ कानपुर से? घूमने कानपुर से दिल्ली। तो कब आई थी? कल। तो अभी 2-4 दिन तो रुकेंगी? हाँ जी रुकेंगे। हाँ तो घूमिए दिल्ली उल्ली घूमिए। आप कहाँ से हैं? पीछे खड़ी हैं, आगे आइए। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से, तो एक जना बिहार से, हम आगे आइए, पास आइए। बिहार में कहाँ से हैं? रक्सौल से। ओ एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे मैं आ रहा हूँ, उतावलापन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, खड़े रहो, हो सकता नंबर अब ना भी आए। तो रक्सौल से हैं आप, क्या नाम है आपका? खुशी। वाह बहुत अच्छा लगा मुझे खुशी। और कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, कोई बात है जो आप कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, ऐसा ही होता है, आम आदमी देखने आता है, समझने आता है, बहुत सारी चीजें देखता है, सुनता है, फिर मन में आता है, जब मन में आए तो बोलिएगा। क्या करती हैं आप? पढ़ रही हैं? कौन से क्या कर रही हैं? शहीद भगत सिंह कॉलेज में बीए। बीए, बीए, बहुत अच्छी बात है। आप?
रोशन पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ रहे हैं आप भी बिहार से? जैसे आपने कहा पढ़ रहे हैं तो मैं समझ गया आप बिहार से हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और आप जनाब कहाँ से हैं? जी बरेली से हूँ। बरेली से जी। कैसे साहब, खैरियत तो है सब? सब बढ़िया है जी। यूपी बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो बिल्कुल बरेली की भाषा है ये, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रही है। हाँ जी, बुलडोजर बाबा के, बहुत अच्छी बात। कुछ कहना है आपको? जब कहना होगा मैं आपको बोलूं। हाँ बिल्कुल, जब आपको कहना हो आप बिल्कुल निश्चित हो से हाथ उठाइए और मैं आ जाऊंगा आपके पास और अपनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दूर खड़े हैं, मैं कैसे आऊँ आपके पास? कहाँ चले गए भैया? हाँ हाँ, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है। दिलीप कुमार यादव, यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड से हूँ, बिहार का दो पार्ट से अलग हुआ गया। हाँ हाँ, 2000 में अलग हो गया झारखंड, कौन सी ऐसी बात है, बढ़िया तो है झारखंड, अच्छा तो चल रहा है। कुछ कहना है? हाँ जी, कहना है कि ये इलेक्शन आते हैं लोकसभा विधानसभा की, तो ये इनका डेट फिक्स हो जाता है कि फलना दिन रिजल्ट होगा, तो आज भी देखते हैं। और कोई विद्यार्थी अगर एग्जाम देता है तो उनका एग्जाम का डेट ही नहीं आता। वाह, यादव जी ने बहुत अच्छी बात बताई, कहने लगे कि अरे कहाँ थे भाई तुम, बहुत अच्छी बात है, बैठो बैठो बैठो। तो यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसकी डेट फिक्स होती है और उसका उसका सत्र फिक्स होता है, उसकी 5 साल की अवधि तय होती है। लेकिन कोई एग्जाम बच्चा देता है, नौजवान देता है, उसका ना तो कोई रिजल्ट की डेट होती है, ना तो कोई रिजल्ट कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, ये एक बड़ी दिक्कत तलब है। मास्क इनको दे दो पीछे। ये बात आई यादव जी आपकी बिल्कुल सही है और ये बहुत बढ़िया बात है। कहाँ से हैं आप साहब? उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड में कहाँ से? उत्तराखंड पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, एकदम बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे आ गए। कब आना हुआ, कैसे? अभी सर, अभी ऐसे आना हुआ था, हम बड़ौदा गए थे अभी। बड़ौदा गुजरात? अच्छा अच्छा जी, कैसे गए थे? आना हुआ था, आपकी डिबेट देखा, यहाँ घूमने आए थे पालिका बाजार में, तो आपकी डिबेट देखा आ गए हम भी। ऐसा ही होता है यहाँ पे कि आ रहे थे घूम रहे थे। कुछ कहना चाह रहे हैं? कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी क्या बातें चल रही है अभी, कौन सी डिबेट? अभी ऐसा चल रही है कि मतलब बरेली वाले आए थे, बंगाल वाले सामने बैठे हैं और वो राष्ट्र उधर वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते थे हरियाणा वाले, वो बैठे, तो बात अभी कुछ शुरू हो ही नहीं है। और मैं सोच रहा था आज कि क्या नाम है आपका? जीवन सिंह दावे। जीवन सिंह जी, मैं सोच रहा था आज बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए तो कितना अच्छा हो। अरे मैं ऐसे खत्म हो जाए कि थोड़ा डर मुझे भी लगता है। मैं आ रहा जीवन जी, आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा। आप जीवन से लबरेज हैं और मैं भी उतना ही लबरेज हूँ जीवन से, मेरा कोई प्याला खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ। बैठो बैठो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, यू हैव नो टाइम। नहीं नहीं, अगर आदमी इतनी जल्दीबाजी में हो, इतना जल्दी में हो कि उसके पास वो हमसे कहे कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो मुझे जरूर आना चाहिए। जरूर जरूर जीवन जी, हम आपको ये बोल रहे हैं कि अभी आपका डिबेट देख के अच्छा लगा। और कौन सा डिबेट हो रहा है आपका? यही तो बात पहले भी बोले थे आप। मैं एक आपसे कहूँ, मुझे एक बात और अच्छा लगे, एक बात और अच्छा लगे कि मैं कहूंगा नहीं, आप समझ गए इशारा है ना? हाँ, पर मैं समझ गया, आदमी अंग्रेजी तो ही स्थिति में बोलता है, या तो हाँ अंग्रेजी आदमी तो ही स्थिति में बोलता है, या तो मैं बोलता हूँ जब गुस्से में होता हूँ, और जब आदमी होश में नहीं होता तब बोलता है। मुझे मालूम है दिल्ली की शाम बड़ी खतरनाक होती है, ऐसे ही आती है धीरे। मास्क पहनो, जय जय सीताराम, मास्क पहनो। और बेटा कहाँ से हो? वृंदावन। अरे अरे, बोलो बांके बिहारी लाल की। कैसे हो बाबू, कंठी माला पहने हो? बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हो गया तुम्हारा? परम सारस्वत। परम सारस्वत, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहते हो बेटा? हाँ बस ये कहना चाहते हैं कि भैया म्यूजिक कर रहे हैं, म्यूजिक कोई आज सीखता नहीं है, सबको जॉब करनी है, डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, म्यूजिक कोई करता ही नहीं है। और ये तो अच्छी है, और क्लासिकल म्यूजिक को और आगे बढ़ाया जाए। तुम क्लासिकल सीखते हो? मैं शास्त्रीय संगीत से 3rd ईयर कर रहा हूँ। अंदर आओ, झोला पकड़ो, इनका पकड़ो भाई, झोला पकड़ो। सलीम भाई, सलीम साहब इनका झोला लो। और तुमसे इतना कह सकता हूँ गुस्ताखी माफ हो मेरी, कि मास्क उतार लो थोड़ा सा। जय हो। तो क्या सुनाओगे मुझे आज? आज डिबेट नहीं होगी। राहुल लाल जी मेरी तरफ देख रहा था, बाजी पीछे हटो जरा। राहुल लाल जी मेरी देखे, बोले आज तो भर के आए थे, पूरी बात तय करके आए थे, घर से ही चले थे कि आज तो दबा देना है बिल्कुल धर के, और आज यही बोलना है कि देखिए साहब कहां से हिंसा हो रही है, कैसे सांप्रदायिकता फैल रही है और कौन कैसे किस तरह से घूम रहा है। जी नमस्ते। तो आज तो यही बोलना था, लेकिन ये तो एंकर अजब है, शास्त्रीय संगीत सुनने के मूड में आ गया। और अगर मैं आ जाऊं मूड में तो मेरा प्रोड्यूसर भी मुझसे कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, जी तो सुनाओगे कुछ आज? मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूं। अच्छा हाँ, मैं तो कौन सा वाद्य है आपका? मेरा तबला। तबला,
अच्छा कीबोर्ड तबला और कीबोर्ड हारमोनियम। तो कुछ तो गुनगुना लेते होंगे? हाँ ऐसे ही थोड़ा। तो आज कौन सा राग सुनाने का मूड है? नहीं राग मैं नहीं गाता, राग थर्ड ईयर कैसे कर रहे हो फिर? थर्ड ईयर म्यूजिक से तबले से। अरे तो तबले तो राग तो पता ही होगा, राग और तबले में बहुत फर्क। अरे तो कौन सा गा कौन सा रहा राग और उसके हिसाब से मुताबिक बजाना पड़ेगा। ताल में और राग में बहुत फर्क होता है। नहीं वो तो हमें मालूम है, लेकिन जो राग में गा रहा है उसकी संगत जो कर रहा है उसको ये तो पता ही होता है संगत वाले को। हाँ तो वो गाता थोड़ी है, वो तो तो गाता नहीं तो बजाने वाला कैसे बजाएगा? अगर मैं डिबेट में करने आया हूँ और मुझे टॉपिक नहीं पता है और वो किस रीजन पे बोल रहे हैं ये नहीं पता है, तो हम दोनों लोग कैसे संगत करेंगे आपस में? खड़े हो गुरु जी यहाँ पे। आज के मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेन दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद आए हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्पना चौहान जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अल्पना। हमारे साथ दिव्यांशु पांडे एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कपिल मदान साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे हमारे साथ, बीच में बातचीत करने आएंगे, उनको भी जोड़ेंगे। और हमारे साथ दयाशंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें या अभी और आपसे बातचीत करें, बताइए। हाँ जी डिबेट शुरू करिए क्योंकि मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है इस समय। अच्छा जैसे क्या चल रहा है? आप देखिए क्या चल रहा है, है? जब तक सुप्रीम कोर्ट के जब तक ये बयान देते हैं है? कि नूपुर सोना जिम्मेदार है, है? इससे पहले ही बहुत दंगे हुए हैं, बहुत सी कत्लें हुई हैं, है? तब तो नूपुर सोना नहीं थी, तो 2019 में भी कत्ल हुआ था, तब तो नूपुर सोना नहीं थी। देखो बेटा मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं चाहता था कोई आदमी तो बात बोलेगा ही है क्योंकि मेरी डिबेट बहुत खुले में होती है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दो आईने लेके चलता हूँ, एक आईना खुद देखता हूँ, एक आईना दूसरों को दिखाने के लिए होता है। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, इस मुल्क में आजादी है बोलने की, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आजादी के साथ बहुत सारे दायित्व भी हैं हमारे, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक है। सुनो मेरी बात, बहस तुमने बोल लिया ना, अब मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। कानून एक ऐसी चीज होती है, जज जो होता है मालूम है किससे चलता है, वो कानून से चलता है ना, और उसको चलने की आजादी देनी चाहिए, प्रेशर माउंट नहीं करना चाहिए। अगर यह फैसला आया तो मेरे ऊपर बहुत अच्छा है, वो फैसला मेरे खराब चला गया तो वो खराब है, ये नहीं। ये मुल्क का एक संविधान है, उस संविधान का कानून, कानून के तहत कोर्ट काम करती है, जजेस काम करते हैं, प्रेशर माउंट मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ किसी से सहमत, बेटा मेरी बात सुनो, किसी से सहमत हुआ जा सकता है, किसी से असहमत हुआ जा सकता है, जजेस से भी हुआ जा सकता है, लेकिन हाँ हमें यकीन है, ये शब्द जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुझे यकीन है कि खुदा होता है, जैसे मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है, ये बिल्कुल वैसे ही वाक्य है कि मेरे देश में संविधान है और संविधान के मुताबिक कोर्ट चलती है, ये बिल्कुल ऐसे। मैं आपको आ जाऊंगा बेटा, नौजवान हो, खून तुम्हारा नौजवानी वाला है, मैं बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन हाँ तजुर्बे के साथ मुझे भी थोड़ी बात है, बाल जरूर मेरे थोड़े बहुत सफेद हो गए हैं लेकिन तजुर्बा मुझे भी है। जनाब नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हो। कहाँ से आना हुआ? गुजरात। गुजरात से? गुजरात में कहाँ से? बड़ौदा। बड़ौदा से? अच्छा तो बड़ौदा से वो आ रहे हैं और बड़ौदा से आप भी आए हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। मैं बोल शुरू करूं? आपकी इच्छा है एक फोटो खींचे हैं? बोलना भी चाहूंगा। कुछ बोलना भी चाहेंगे? पहले फोटो या पहले बोलना चाहेंगे? पहले फोटो लूंगा। पहले फोटो, चलिए आप बैठे रहिए, बैठे रहिए आप, खींचिए जी, कैमरा निकालिए। ये आज सोच रहे होंगे आज ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना 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 ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे मालूम था कि मुझे सवाल कौन सा लेना है और वो सवाल रखा गया, मुझे मालूम था कि कोर्ट जज क्या कह रहे हैं। मैं भी पेपर पढ़ता हूं, आप भी पेपर पढ़ते हैं, तमाम सारी बातें हैं उनके बीच में से जो समझने और सोचने की बात है वो मेरा भी दायित्व है। आप तमाम सारे लोग मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर ने कहा कि सांप्रदायिकता जो बढ़ी है वो तुष्टीकरण की वजह से बढ़ी है। अब मुझे नहीं समझ में आया आपने ताली क्यों बजाई, लेकिन उनका ये बयान है कि तुष्टीकरण, नहीं नहीं सुन लीजिए, तुष्टीकरण हुआ इस मुल्क में, तुष्टीकरण होता रहा, उसकी वजह से मैं आया आपके पास आ रहा हूं, उसकी वजह से सांप्रदायिकता या जो आज हम देख रहे हैं स्थिति वो उसकी देन है। कांग्रेस के प्रवक्ता को चांस दूंगा, देन आई विल कम टू वन बाय वन, ऑफकोर्स आऊंगा, मैं आऊंगा जी। प्रतीक जी, पहले तो पूरे देश में जो माहौल आज पैदा हुआ है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हाँ। प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया में भक्तों के कारण आज देश का न्यायाधीश भी यदि खतरे में हो, जो ट्रेंड चल रहा है ये सबसे खतरनाक ट्रेंड है। जहां तक बात खतरे में नहीं है, बात कह रहे की आजादी, आपने देखा क्या क्या रहा है कल से,
किस तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया में चलाए गए, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गैर जिम्मेदार तो हम भी हो सकते हैं ना, एकदम हो सकते हैं गैर जिम्मेदार, हम भी हो सकते हैं। मीडिया के लोग भी कितने जिम्मेवार, मैंने ये कभी नहीं कहा सर। लेकिन मीडिया ने जो हाल कर रखा है पूरे देश में, रोज हिंदू मुस्लिम, रोज नफरत की राजनीति, रोज हिंसा का सद्भाव बिगाड़ने की जो परिस्थितियां बनती गई, इसके कारण आज पूरा देश जो है इस दौर में आया है।